डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस की टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम। सबसे पहले जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निरर्थक मामला यानी फ्रिवलस केस दायर करने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR की आलोचना की और जनहित याचिका को खारिज कर दिया। चले जानते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम के बारे में। यह एक वकील को दी गई उपाधि है जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किसी कारण या दलील का प्रतिनिधित्व कर सकता है। केवल ये वकील ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई भी मामला या दस्तावेज दाखिल करने के हकदार होते हैं। AOR वादियों को उच्चतम न्यायालय से जोड़ने वाले मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करा सकता है या पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। बता दें कि भारत में किसी अन्य उच्च न्यायालय में ऐसा प्रावधान नहीं है। चले जानते हैं इससे संबंधित पात्रता मापदंड। वकील को किसी भी राज्य बार काउंसिल में नामांकित होना आवश्यक है। परीक्षा देने से पहले कम से कम एक वर्ष के लिए अदालत द्वारा अनुमोदित AOR के साथ प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण शुरू करने से पहले वकील के पास कम से कम 4 साल का कानूनी अभ्यास होना चाहिए। AOR का एक कार्यालय दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के 16 किलोमीटर के दायरे में स्थित होना चाहिए। एक बार पंजीकृत होने के बाद AOR को एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाती है जिसका उपयोग सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी दस्तावेजों पर किया जाना चाहिए। चले जानते हैं इसकी संवैधानिक स्थिति। AOR प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियम संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 145 न्यायालय को मामलों की सुनवाई के लिए नियम बनाने और अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने का अधिकार देता है। गौरतलब है कि AOR प्रणाली बैरिस्टर और सॉलिस्टर के ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक वकील को दी गई उपाधि है जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किसी कारण या दलील का प्रतिनिधित्व कर सकता है। दो, इस प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।